और इसकी सबसे अच्छी चीज है इसकी जो हमें टेरेस मिली है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस सबसे पहले तो वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स। ये मैं व्लॉग के शुरू में एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत स्पेशल व्लॉग है, बहुत स्पेशल मोमेंट है मेरी लाइफ का और सब कुछ आपकी वजह से हो पाया। मेरे को सच में इस दिन कुछ अंदाजा नहीं था। आप व्लॉग 17 को देख रहे होगे लेकिन ये चीज़ ऑलरेडी 14 को हो चुकी है, तो एक दिन डिले हो गया क्योंकि मुझे जो आपने कल वीडियो देखा वो पहले डालना था। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप सबको पता है भाई, लाइक कर दो अभी देखते ही। मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए, वो ये कि 1,00,000 लाइक चाहिए मेरे को इस व्लॉग पे। ट्रेंड में जाना ना जाना तो भाई देखो यूट्यूब के ऊपर है, लेकिन मुझे 1,00,000 लाइक चाहिए तो आप अभी कर दो, बात तक आप भूल जाते हो, किसी और का भी फोन लेके कर देना और बाकी आप व्लॉग एंजॉय करो। ये सब कुछ जो भी हुआ आपकी वजह से हुआ, आपके प्यार की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच, अब आप व्लॉग एंजॉय करो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। आपके यहाँ क्या माहौल है भाई? यहाँ तो बहुत ज्यादा कोहरा है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स। और अभी मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ और मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि आज है बहुत शुभ दिन। आज 14 तारीख है और हमने डिसाइड किया है कि आज के दिन, आप एक दिन लेट व्लॉग देख रहे होंगे आई नो, लेकिन आज के दिन मैं लखन को सरप्राइज़ देने वाली हूँ। अब वो क्या है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हम लोग जा रहे हैं अपना घर देखने के लिए और हमारी सोमी जी आ चुके हैं यहाँ पर। वो बता रही कि क्या क्या यहाँ से निकल सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से शिफ्ट हो सकती हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हो सकती है ना। बट उनको सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे लग रहा है मुझसे भी ज़्यादा उनको बुरा लग रहा है क्योंकि अभी इतना सब कुछ बनवाया था, है ना। क्या बोलना चाहोगे? बहुत मेहनत करते हैं, एक एक चीज़ बहुत सोच समझ के की थी हम दोनों ने, इतना टाइम दिया था बहुत सारी चीज़ों पे और बहुत डिटेल में वर्क किया था। एंड फाइनली अब हम शिफ्ट हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अब सब अच्छा होगा। पहले उस घर में देखते हैं, वो देखने जा रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो गाइज ये है हमारा खुद का घर। आकाश भैया ने, थैंक यू भैया, आपने बहुत, भैया ने और मैंने छुप छुप के बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस घर को ढूंढने में। मैं बता दूँ कि लखन का और दीदी का ये मानना था कि हम लोग रेंट पर शिफ्ट होंगे, है ना भैया। लेकिन भैया से मैंने बात करी, हमारी 1 घंटा 45 मिनट बात हुई होगी, और मैंने भैया बोला भैया हमें ना हमारी जितनी भी सेविंग्स है ना हम लगा देते हैं, हम बस अपना खुद का घर खरीदते हैं। तो हमने अपना खुद का घर खरीदा जो कि लखन को नहीं पता, तो ये डील आज क्लोज हो जाएगी, हमें कीज भी मिल जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमें रेंट पर नहीं जाना पड़ेगा। ये सच में बहुत अच्छी बात है, मतलब मैं लिटरली बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट लखन ने बहुत मेहनत की है, नाउ ही इज़ ग्रोइंग, वो अपनी चीज़ें कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू भैया। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो मैंने कह रही ये चीज़ ऐसा लग रहा है, वो चीज़ ऐसा लग रहा है, है ना। हम दोनों की चॉइसेस काफ़ी सिमिलर है ना, काफ़ी चीज़ें हमारी चीज़ें एक सेट प्लेटफॉर्म पे जाती हैं। साइन हो, नाम प्रिंटेड है तब नहीं चाहिए इस टाइम तो पैडिश अपने शुभ हाथों से, अपने शुभ, भैया कह रहे अपने शुभ हाथों से। भैया लखन को नहीं पता, लखन को तो पहले तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है डांट पड़ने वाली है। हाँ, इतनी बड़ी चीज़, मतलब थैंक यू बीजी अंकल, थैंक यू सो मच। मैं आपको खुद कॉल कर रहा हूँ। आपको घर अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा ना। अंकल ने रेनोवेशन भी पहले से करवा रखी है थोड़ी बहुत, लेकिन आपके आपके रूम की बहुत अच्छी रही है, मतलब वॉशरूम बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से हर चीज बनवाई है। हाँ, तो यू एंजॉय द हाउस। थैंक यू, थैंक यू। कभी भी कोई चीज की भी रिक्वायरमेंट बनेगी तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर। ओके जी अंकल जी, थैंक यू। तो अंकल आप मुझे की दे रहे हैं, लीजिए प्लीज, एंजॉय दिस हाउस। थैंक यू सो मच। हमारा घर, हमारा थैंक यू आपका, आपने जल्दी से जल्दी करवा दिया काम। मतलब इसमें टाइम लगता है, 3 से 4 महीने लग जाते हैं, लेकिन अंकल को हमने अपनी प्रॉब्लम समझाई और अंकल ने 1 हफ्ते में हमें करके दे दिया। थैंक यू सो मच अंकल, आप सो खूब एंजॉय करो, आपकी फ्यूचर अच्छा रहे और जिस पोजीशन पे आ जाए उससे बहुत आगे और आगे और आगे बढ़ते जाओ। तो गाइस की हमारी हो गई, हमारा घर हमारा हो गया। भैया कांग्रेचुलेशन। अब मैं जाके पहले मम्मी को कॉल करती हूँ, लखन तो अभी टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा, सरप्राइज भी देना है अभी, सरप्राइज भी देना। कैसे देंगे? काम करते केक मंगवाते हैं उसमें ऐसे होते हैं, क्योंकि भाई उनको तो लग रहा है हम रेंट का ले रहे हैं, बट एक्चुअल में तो हम अपना ले रहे हैं ना। हां, लखन को पता है कि हम रेंट के लिए, हां अभी हम देख रहे हैं कि कौन सा अच्छा रहेगा, बट ये भी हम देख कर ले रहे हैं ना, लगेंगे ना जिसको हम रेंट पे देख के गए हैं। हाँ, अपना हो रहा है, खरीद लिया है तो और ज्यादा अच्छा लगेगा ना। गाइस अब मैं पहले सबसे पहले जाके अपनी बेचारी हमारी जो टीम है जिसके नाम मैं रख करती हूं उनको दिखाती हूं, फिर मंदिर में रखी जाएगी। गाइस
गुड न्यूज ये देखो। चलो भाई चलो भाई चलो अपने सामान उठाओ जल्दी लैपटॉप ले ले मेरा चलो चलो अबे नहीं है तुम्हारा रूम में नहीं है रोहित भाई तुम चेयर नहीं पहले चेयर उठाई ना ना ये सारे हीटर उठाएगा देखो हीटर अभी भी चालू है तुमने चालू किया अच्छा और गर्म होता तो मीटर चला करो उनको ठंड बहुत लगती है पुनीत मेरी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है तो मैं मंदिर में तो जा नहीं सकती तुम जाके इस मंदिर में रख दो पुनीत दीदी आधा पुनीत को बोलो दीदी ये लो बेटा दिखाओ भाई दिखाओ दीदी वाओ कांग्रेचुलेशंस सेलिब्रेशंस थैंक यू सुधीर अब तो नए घर में जाने वाला बताया तुझे चलो गुची गाना यहाँ घर दिखा दो गुची को भी की दिखा दो गुची हेलो तो किसी कर दो की को हेलो कर दिया गुची ने रोहित पुनीत आ मंदिर में पुनीत चला मंदिर में की को रखने के लिए भगवान से प्रे करो सब कुछ अच्छा हो दिल से प्रे करो दिल से मैं बाहर से कर लेती क्योंकि मंदिर में नहीं जाती बिता नहीं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो गाइस मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारा खुद का घर अब हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता ये इस पर हमारा खुद का राइट है मेरा और लखन का जो गूज़बम्स है ना वो आ गए सच में हम तीनों का घर मेरा सोनी दीदी का और लखन का हम तीनों का ऑफिशियली घर हो चुका है बिल्कुल रेडी सोनी दीदी का भी रूम रेडी करवाऊंगी वहाँ पर यार आज जो ये खुशी है ना ये मैं काफ़ी टाइम से चाहती थी लेकिन हम लोग मैं कुछ बोल नहीं सकती मैं अभी इमोशनल हो रही हूँ बस लखन के रिएक्शन देख रहे हैं अभी मैं केक मंगा देती हूँ लखन के लिए भाई हेयरकट हो गया मेरा बहुत टाइम से पेंडिंग था और आज टाइम निकाल के मैं आ ही गया फाइनली वरना फिर किसी चीज़ में लग जाता तो अभी घर जाता हूँ नहाता हूँ पानी मैं ऑलरेडी गर्म करके आ चुका हूँ यार ये वो सबसे पहली कार है जो मैंने और नीतू ने ली थी खुद से और उस टाइम शायद ये 16 लाख की थी 6 लाख का डाउन पेमेंट हुआ था 10 लाख का लोन हुआ था पहला लोन था मेरी लाइफ का वो बैंक का और मैं बहुत डर रहा था वो लोन लेने से पहले बट उसका किस्तें कुछ आती थी 20,000 के आसपास 5 साल का मैंने कराया था अब तो शायद 4 साल होने और 4 साल हो जाएंगे इस फैब में इसको लेकिन यार मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस था वो मेरे अंदर जो डर था ना कि मतलब लोन टाइम पे चुका पाएंगे या नहीं बट ठीक है इन चीज़ों ने ना मेरे को ग्रो करना सिखाया कि ठीक है लाइफ में चीज़ें हो जाती हैं भाई लोग मेरा हेयर कट हो गया बीड भी थोड़ी ट्रिम हो गई आज बहुत फ्रेश लुक आपको लग रहा होगा देखने में ना भाई इस घर का सबसे अच्छा रूम है ये हीटर चलता रहता है इसलिए पूरा रूम गर्म रहता है खाना बना के हम लोग अंदर आ गए हैं और मक्के की रोटी सरसों का साग लखन खिलाऊं तुम्हें मक्के की रोटी लखन को भी नहीं पसंद तुम्हें अभी नहीं अभी नहीं सो गाइस आज अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे मैंने लोगों से सजेशन मांगे कि मुझे सजेशन दो मैं क्या क्या रील्स बना सकता हूँ काफी टाइम हो गया काम का काफी कॉम्प्रोमाइज हुआ मेरा लेकिन अभी तो आपने देखा फ्रेश लुक में आ चुका हूँ मैं और अब दोबारा से एनर्जी भर चुकी है मेरे अंदर और काम पूरा सही से लगना है मुझे भाई सर्दियों की धूप से अच्छा कुछ नहीं लगता सही में हाय बॉस हेलो बॉस क्या अपडेट हमारे उसमें हो गया ऑलमोस्ट डन सब हो गया सो ये अपडेट मैं मांग रहा हूँ जो हमारा क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उसके लिए क्योंकि क्लोथिंग बिजनेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और आप लोग भरपूर प्यार देना सजेशन भी देना क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके सजेशन के साथ हम लोग कुछ करें अच्छा सा ठीक है ना लोग बताएंगे क्योंकि उन्हें खरीदना है आफ्टर ऑल भाई मेरी बहुत सारी सेल कराना प्लीज़ आप लोग सबको कराना वैसे तो वो लेडीज वियर है लड़के भी ऑर्डर कर लेना भाई अपनी अपनी बहनों के लिए यूट्यूब में इतना सपोर्ट किया है हमेशा वैसे ही वहाँ भी सपोर्ट कर प्लीज़ और हम सब कुछ डिज़ाइन भी वैसा ही कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि हर सेगमेंट को देख के हमने चीज़ें की हैं हम यूथ को भी टारगेट कर रहे हैं हम मिड एज को भी टारगेट कर रहे हैं सभी के लिए हमारे पास सब कुछ होगा आप लोग भी हमें टारगेट कर लो अब ठीक है ना आप लोग ऑर्डर करना बहुत सारे जैसे कि मैंने बताया सारी मेरी महिलाएं बहनें और जितनी भी दोस्त हैं जो मेरी माँ बराबर है वो भी सब ऑर्डर करना और जो लड़के हैं अपनी बहनों के लिए गर्लफ्रेंड के लिए सबके लिए ऑर्डर करना ठीक है भाई एक चीज़ है नीतू ने वेलवेट के सूट पहनना स्टार्ट कर दिया मैं तो सोच रहा हूँ ये भी अपने उस पर हम सेल करेंगे हमने वेलवेट के सूट का भी सोचा हुआ है क्योंकि यार कुछ ऐसी चीज़ें जो ना मतलब बहुत आसानी से नहीं मिलती मैंने देखा नीतू जब ये पहनती तो बहुत सारे मैसेज आते हैं कि दीदी आपने कहाँ से लिया हमें बता दो हमें भी ऑर्डर करना है तो अब आपको कहीं नहीं जाना अब आपको हमारे निटॉस से ही ऑर्डर कर देना है आपको निटॉस का फुल फॉर्म क्या है
नीटोस मतलब एक तरीके से नीतूज, नीतू का ब्रांड। हाँ मतलब एक तरीके से यही है, मेरा मेरा वो यही था सोच इसमें, नीटोस नीतूज नीतूज, हाँ इसीलिए था ये। तुम्हें ना अभी वहाँ पर चलना, हमने एक घर जो देखा था रेंट वाला उसको देखने चलना है, चलो तो, फाइनल जो करना है। हाँ, वो फाइनल हो गया भाई, फाइनल आज फाइनल हो गया फाइनल। हाँ, चलो, मुझे सबसे एंड में पता चलती है हमारे घर में सारी चीजें। चले तुम्हें भी पता है, तुम्हें भी पता है, इन्हें ही पता है। हम अपने साथ दोनों बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसने तो घर देख लिया था मगर हमारे बड़े बेटे ने नहीं देखा था। दूची भी जा रहा है भाई हमारे साथ घर देखने, क्योंकि रहना तो दूची को भी है, पर दूची वैसे भी बेटा है ना मेरा, तो यार इसकी भी अप्रूव करेगा, इसकी भी चॉइस चाहिए। आ जाओ संडी भाई। ओ ओ ये तो भाई नीतू का दीवाना है। आज नीतू बाहर वीडियो बना रही थी तो शीशे पे चढ़ के ये रो रहा था बाहर जाने के लिए, जैसे कि चला ही जाएगा बाहर। चमचे चंगा नहीं, मेरा बच्चा आए हैं। चलो आ गए हम, आ गए हम गुच्ची के घर पर। भाई काम चल रहा है, अच्छी कंडीशन में है घर, काफी अच्छी कंडीशन में है। और यहाँ पर पसंद आ गया तेरे को ये? मेरे को रकल, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, अब तुम देख लो भाई। ये क्या है ना, जिस घर में हम अभी रहते हैं सेम मतलब वही वाले अपार्टमेंट से हैं, तो अपने को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी यहाँ आने में। पर आई एम ग्लैड कि नीतू को पसंद आ गया। मैंने एक ही ऑप्शन उसको शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर भी है, काफी काम भी हो रखा है, बिल्कुल नया जैसा यार ये। लव योर टेडी को। तो मैं ये सोच रही हूँ कि रेंट पर क्या लेना इसको, और खरीद लें। क्यों खरीद नहीं सकते हम? खरीद ले, खरीद नहीं सकते हम? जो बिजनेस जो होगा उसका वो अभी छोटे थोड़े से कर सकते हैं। किससे? जैसे हम ग्रैंड। हाँ, अगर तुम इतना अच्छा प्लान कर रही हो तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा कम बजट में हम कर लेंगे। हाँ बैगन सही है, तीन चार और खरीद ले, सारे फ्लोर की खरीद ले। क्यों खरीद, इतना पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं खिलाना, खरीद लूं। इतनी कॉस्ट कटिंग तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब फिर फाइनल करें, का है ओनर का इसके? ये रेंट के उस पे लेना है या फिर खरीदना है? मतलब इतना अच्छा है और इतने अच्छे मतलब सही मिल रहा है, फिर वरना एक्सपेंसिव हो जाएगा बताओ। तो एक्सपेंसिव तो होंगे नहीं, तो एक्सपेंसिव होगा पैसे जोड़ेंगे जोड़ के। भाई कहीं आ रहे हो सॉलिड होके आओ, ऐसे नहीं ना कि सारे पैसे खत्म करके आ जाओगे। सारे पैसे क्या खत्म कर रहे हैं? सॉलिड होके आएंगे बिल्कुल, रह लेंगे पहले साल भर में, अपने पैसे इकट्ठा करेंगे फिर ले लेंगे, पसंद आएगा। हाँ हाँ ले लेंगे, और क्या। तो जो काम एक साल बाद कर सकते हैं वो अभी भी कर अभी सकते हैं, अभी करने के लिए रोकड़ा को अंडर। अरे तो भाई वो तो सब हो जाएगा, उसमें कोई इतना इशू नहीं है भाई बिजनेस में। तुम जितना रेंट दोगे ना मंथली, तुम लोगों को गलत दिखा दिया इधर नहीं। अरे ये हमें अच्छा लग रहा है, और ये हमें अच्छा लग रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि ओनर से भी बात हुई थी और जो एक इंसान बीच में उनसे भी बात हुई थी। आज एक्चुअली हम लोग सुबह सुबह आए तो ओनर आ रखे थे और मैंने उनको चेक साइन करके दे दिया और घर हमारे नाम हो गया। अरे भाई खुश हो ना, ये भाई मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में हमने सुबह डील क्लोज की कसम, ब्राउनी की कसम, सुबह डील क्लोज हो चुकी है इसकी। हम तो मैं कहा था जो तुमने कहा ना सुबह तुम पोस्ट कर रहे थे कि बहुत कटवा चुका हूँ, तो हम उस कटे हुए को जोड़ रहे थे और तुम्हारी एब्सेंस में हमने फाइनल कर दिया। अब सुनो 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 सुनो, रुको 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 रुको, अब सुनो ये देखो, ये डांस देखो तुम दोनों। यहाँ पे थोड़ी बताऊंगी, बट महंगा है, बहुत महंगा, क्या कर सकते हैं। थैंक यू। अरे थैंक यू क्या, हम दोनों की कमाई है। नहीं यार सबकी कमाई, आ जाओ आ जाओ। तो गुच्ची को और नया घर, ये गुच्ची 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 का नया घर, इसको बताइए क्या हो रहा है। गुच्ची चेक कर रहा है पूरा, ये सोच रहा है कि जो रूम इस साइड था वो इधर कैसे आ गया। भाई मुझे अभी तक भी मजाक लग रहा है सब यार, क्योंकि क्या बोले यार, ऐसा मतलब ये घर सेल पे था और जब हम इसकी बात कर रहे थे मैंने बोला मुझे सेल पे नहीं मुझे रेंट पे लेना है, क्योंकि मैं रेंट का ही सोच रहा था, मेरे को भी पैसे बचाने हैं बिजनेस के लिए। पता नहीं यार उसने क्या कर दिया, ये पागल है यार ये बंदी। हाँ ओए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कब से स्टार्ट है? ये मंडे से, कल से स्टार्ट है। भाई क्या यार, हमने भी आलू सब्जी है क्या, चलते मैं खरीद लिया। तूने तेरे बैंक से कट गए पैसे? हाँ चेक दे दिया तो वो तो फ्राइडे में कटे थे, आज संडे है ना, फ्राइडे तुम चेक तू तो कहीं आज चेक दिया तूने, चेक आधा आज दिया मगर मुझे टोकन मनी देते वो तो फ्राइडे को दे देता भैया जब आए थे। अरे इसलिए तो नाटक दिखा रही है हरेक उसमें, इसीलिए आकाश में बुलवाया तूने। क्या कर रहे हैं इनको भी पता ही होगा, हम हर कहीं पर भी जाते थे रेंट पर, हम पता
लगन ये नहीं अच्छा रहा ये ले लेते। मैंने कहा नहीं 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 ये अच्छा नहीं लग रहा, इसमें ये है, इसमें डार्कनेस है, इसमें कर्टन्स कैसे करेंगे, ये मैं बहुत अटक रहा। तेरे को यही लेना था शुरू से, ये पहले नजर में पसंद आ गया। अबे तो मुझे तो बता रही थी, मैं क्या इधर से उधर ढूंढता फिर रहा हूँ सब जगह, स्टोरियां डाल रहा हूँ। हाँ पता नहीं यार। चलो ठीक है भाई, थैंक यू गाइस, आपको थैंक यू गाइस, आपकी वजह से ले पाया यार, आपको थैंक यू सबसे बड़ा। पता नहीं कैसे रिएक्ट करूं। ये क्या है भाई? मेरा तो खत्म हो गया। ठीक है, न्यू होम। ओ बचपन की फोटो, बचपन में सोचा था। ये कब मंगवाया? ये किसने? पुणे? ये रोहित, ये टीम वाला है, ये टीम वाला है। पूनम दीदी भी थी बस मोबाइल पर कुछ दिए। वाह यार, इसको कहाँ काटे भाई, इसको यहीं काटेंगे। मैं ही करते नहीं तो यहाँ तो दो दो। तू बर्थडे का किसके लिए लाया भाई? ये नहीं उन्हें, तू तो भाई तू संन्यास ले ले, मैं बता रहा हूँ तेरे को। अब बर्थडे क्यों लाया है तू? आज घर का नया, आज से बर्थडे नहीं हो गया? अरे वाह, शाबाश बेटा, देखा बातों को स्टिक प्रूव कर देता है। मुझे पता किस पे गया ये। अरे वो ये दोनों तो अभी से खेलने लगे यार। अरे अच्छा नहीं। यार वैसे बड़ी सच्ची बता रहा हूँ गाइस, मुझे बहुत पॉजिटिविटी सी लग रही है इस घर में, और आप लोग भी देख रहे हो कि फुल ऑफ एनर्जी सी लग रही है यार। मेरे को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा हमने घर ले लिया है यार। अब क्या हो गया, क्या हो गया? अरे हाँ पुनीत, तेरा रूम कौन सा है भाई? इसका सेम वही लेआउट है, थोड़ा रिवर्स में है। ये वाला घर में देख के जा चुका हूँ वैसे ऑलरेडी। नहीं मैं इसमें कुछ दिखा रहा था। क्या इसका बाथरूम बड़ा बड़ा सा मेरे को लग रहा है? सेम लग रहा है मेरे को। भाई इसको मेरे साफ मिला है मेरा। भाई ये दिखाने के लिए ला रहा हूं तुम लोगों को। मेरे को तो सेम सा लग रहा है थोड़ा। और सेकंडली भाई मैंने यहां क्या किया? इसका लेआउट ऑलमोस्ट सेम है। नहीं तो काम तो इसमें फिर से कराना पड़ेगा पूरा यार। कराना पड़ेगा। कोई बात नहीं, और करवा लेंगे काम, रुक के। लेकिन तुषार भाई तो कुछ नई बात बोल रहे हैं। क्या पूजा वाली? अगर पूजा हो गई तो फिर यहाँ पे सोना पड़ेगा। एक तो हाँ, एक तो रहेगा यहाँ पे, तो सैंडी और पुनीत रहेंगे। यहाँ क्या हो गया? अच्छा सैंडी और पुनीत नहीं रहेंगे यहाँ पे एक साथ? ये उठते भी नहीं है टाइम पे। रोहित को अरे पुनीत को तो कुछ उठाने के लिए अलग ही यंत्र चाहिए पुनीत को उठाने के लिए। तो हमारे ब्राउनी को भी पता है केक कटिंग हो रही है। आ गया पहले करें क्या? ओके तो भगवान इसके बाद हम बहुत बड़ा विला लें और बहुत अच्छी चीज हमारे साथ। भगवान हम बिजनेस करें अच्छा सा, हो जाएगी बात। हाँ हाँ बिजनेस भी होगा होगा। चल ये गाड़ी बजा दो। ये हैप्पी बर्थडे टू घर का। बहुत सारे लोग जो हमसे इमोशनली अटैच्ड है ना, वो शायद अपने मोबाइल स्क्रीन पे टीवी स्क्रीन पे देख के तालियां बजा रहे होंगे इस टाइम कि ऐसी जर्नी उन्होंने देखी। और इस सब का आप भी पार्ट हो, आप भी सबके बहुत बड़ा रीज़न हो। ताली नहीं बजा रहे तो बजा देना यार। और प्लीज़ इसके साथ एक वीडियो या कुछ भी रिकॉर्ड करके ज़रूर स्टोरी पर डालना, मैं रीपोस्ट करूँगा। मेरी लाइफ का बहुत स्पेशल दिन है आज का, बहुत। हमारा खुद का घर। तो यार थैंक यू नीतो, मेरा सच में मन अभी तक भी रेंट का ही था, बट अब हो गया तो हो गया, देखा जाएगा यार। प्लीज आप इतने टेंशन मत लो, हो गया ना। मैं टेंशन नहीं ले रहा मैं। अब पैसे भी कट गए हैं, वो भी बहुत तगड़े वाले। हां ठीक, बहुत सारी जीरो थी उसमें। ये पहला डे टू यू, हैप्पी न्यू। भाई पहला वाला जो स्लाइस है वो भगवान को, हमारे पितृ देवी देवताओं को जाएगा, बाबूजी को, बाबूजी दादी दादी पापा सबको। थैंक यू उन सभी लोगों को जिन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया भाई। सोचा भी नहीं था इस एज में घर लेंगे इतना बड़ा इतनी अच्छी जगह पे। और सेकंड पीस है हमारी YouTube फैमिली के लिए, हमारी Facebook फैमिली के लिए, जो हमें इतना सारा प्यार देती है डेली का डेली, इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करती है और हमारी केयर करती है, हमारे लिए रोती है। तो ये आपके लिए है, इसको भी साथ में रख भाई। लास्ट को भी साथ में रखो।
ये लोग भगवान है हमारे यार, ये लोग आप लोग भगवान हो हमारे यार। अब मैं लखन को खिलाना चाहूंगी क्योंकि लखन की हार्ड वर्क की वजह से लोगों को लगता है कि मैं ही मेहनत करती हूँ, लेकिन जो पीछे की मेहनत होती है ना वो आगे से भी ज्यादा होती है। मेल करना कंजी नहीं है यहाँ पे यार, उनको मैंने वीडियो कॉल करके दिखा दिया था और उनको भी यकीन नहीं, वो चिल्लाने लगी। अरे यार रिकॉर्ड किया उसको? हाँ, नहीं मैं रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि वो बहुत धूल हो रही थी यहाँ पर। अच्छा ना भैया, तो बहुत गंदा हो रखा था। खिला 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 भाई, खिला थोड़ा सा खिला। अब भाई अब एक काम करो, अपने अपने आप खाओ, पूरे में आ जाओ, आकाश भाई आ जाओ। बहुत टेस्टी केक है, कौन लेकर आया? मेरा ये वाला फेस, मेरा फेस मत खाना ना ही लखन का। देखो जाओ भाऊ, जाओ 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 भाऊ, जाओ तुम भी खाओ भाऊ। इस घर में लाइट्स कितनी ज्यादा कर रखी है ना वैसे। पुनीत वाला केक तो कोई खा ही नहीं रहा है, हद होती है। मैं खाऊंगी अपने भाई वाला केक। पुनीत खुद कहाँ है? बाबूजी को केक खिलाने गया। ओ अच्छा, हाँ दो रख के बाबूजी की तरफ करा। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ने तो कर दिया जिसको ब्लास्ट करना था। बेटा इस केक से अच्छा ये वाला केक हो रहा, थोड़ा दे दे इसको। तू क्या कर रहा है? मैं तो तुझसे मांग रही थी। हरिंदर भाई को तो सुधीर, सुधीर कहाँ है भाई? कहाँ हरिंदर भैया है? कहाँ? ये तो बढ़िया है, अभी किसी ने साइड पर। भाई इन दोनों का क्या चल रहा है ड्रामा? हाँ भाई, अरे हरिंदर भैया जाओ केक खा लो। मुझे ना नहीं लो। तेदू इसको तो मैं ऐसे करते जाऊंगा। पुनीत को एक्स्ट्रा लार्ज खुशी हो रही है। हाँ खुशी ज्यादा है। हाँ क्यों है पुनीत इतनी खुशी? खुशी है आप घर चेंज हुई तो मजा चेंज। अपना अपना होता है। पुनीत घर में घुसा सबसे पहले देखा मैं कहाँ सोऊंगा भाई, मेरी जगह कन्फर्म हो जाए। अच्छा हम इसका होम टूर, तो अभी आपने एक रूम को थोड़ा सा देख लिया, इसको एक बार थोड़ा सा ठीक वीक करके इसका होम टूर हम करके दिखाएंगे आपको। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ है इसकी जो हमें टेरेस मिली है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस घर को पहले ऑलरेडी देख के जा चुका था रेंट पर जब ये मिल रहा था हमें। सी गाइस, तो ये मैं बता रहा था इसकी टेरेस देखो कितनी बड़ी है यहाँ पे, और ये पूरा एरिया अपना है, पूरा एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है भाई यहाँ पे। और आप लोग देखो यहाँ से व्यू कितना अच्छा आता है। अच्छा जब मैं इसको रेंट पे देखने आया था तो वो भैया बता रहे थे कि सर आप लोग तो वीडियोस बनाते हो तो आप यहाँ पे बहुत कुछ कर पाओगे अगर कभी आप पार्टी वगैरह करोगे तो। फिर मैंने उनको बताया भाई हम पार्टी वगैरह नहीं करते, हम बहुत बोरिंग लोग हैं, लेकिन उसके हिसाब से बहुत अच्छा है क्योंकि गमले वगैरह यहाँ रख जाएंगे और वो एरिया काफ़ी बड़ा है यार। मेरा तो मन कर रहा है मैं आज से यहीं पर आकर सोऊँ, बड़े सुकून की नींद आएगी यार यहाँ पे। सच्ची गाइस जो मतलब अगर आप अर्न कर रहे हो ना तो आप एक चंक ऑफ अमाउंट हमेशा सेव करना। लाइफ का कुछ नहीं पता होता क्या चीज़ें कैसे हो जाती हैं, अपने लिए ज़रूर सेव करके चलना। मतलब कभी इतने सेल्फलेस मत बनना कि इतने बेवकूफ़ मत बनना कि आपके पास कुछ भी ना रहे, हमेशा सेव करके चलना। इस छत की बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर काफ़ी स्पेस है और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि उसमें वहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी लेकिन वो भी छत अच्छी थी, काफ़ी अच्छी धूप आती थी। यहाँ पर पता नहीं कैसे धूप आती है लेकिन हमारे बच्चे आराम से घूम सकते हैं, हमें टेंशन नहीं होगी क्योंकि डर लगता था कि वो इधर ना चले जाए उधर ना चले जाए, बट यहाँ पर बहुत फ्रीली घूम। योगा भी अच्छी कर सकती है आप? हाँ यहाँ पर मैं एक्सरसाइज भी कर लूँगी, वहाँ तो कर ही नहीं गई मुझसे, यहाँ पर मैं करूँगी। खैर ये बोलने की बातें होती है, अपने अंदर वो होना चाहिए कि हम करेंगे करेंगे। तो यार हमारा हाँ भाई कैसा लग रहा है? बहुत दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। क्यों? अच्छा लग रहा है, नया नया घर, नई नई जगह, देखो इतनी सारी जगह। बट एक यू नो एक क्या बोलूँ मैं, मेरे वर्ड्स नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो रहन दो फिर। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत रोने का मन कर रहा है क्योंकि उस घर से भी बहुत सारी यादें थी। जब मैं मूनकोट से भी शिफ्ट हुई थी ना, क्योंकि मैं मूनकोट में एक साल रही थी, एक साल से भी ज़्यादा रही थी ना दीदी, मूनकोट में एक साल से ज़्यादा रही थी मैं। तू तो चली गई थी जल्दी लेकिन फिर मैं रुकी थी ना। ये घर पूरा तो नया बना हुआ है, मेरे को लग रहा है नहीं कुछ बहुत ज़्यादा शिफ्ट करना है। किचन करना है और बस, किचन करना है, रूम भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा बट किचन तो करना है। मेरे ख्याल अलमीरा वाला जो एरिया वो करना पड़ेगा थोड़ा सा अपने को। ठीक है इसका होम टूर जल्दी दिखाएंगे आपको एक बार जब हो जाएगा ना प्रॉपर। हाँ भाई सबके तुम्हारा भी रूम होगा, होगा इसको अपने रूम की पड़ी रहती है बस। और लगन लगे जब मैं मूनकोट में 1.5 साल रही थी ना, जब ने वो खाली करा था तो मैं काफ़ी रोई थी, है ना लगन यार। एक घर से अटैचमेंट तो हो जाती है, चाहे कोई भी कैसा भी घर हो, कहीं पर भी हो, किसी का भी हो, अटैचमेंट हो जाती है। अब हम प्यारी अपनी सोनी दीदी को कॉल कर रहे हैं। वैसे तो सोनी दीदी को मैंने मॉर्निंग में दिखा दिया था बट स्टिल अभी भी दिखाना क्योंकि उस टाइम पता नहीं था कि लखन को पता है। आंसर करो दीदी, शादी में बिजी होंगी। अभी तो 4:30 बज रहे हैं, वो टाइम पे कहाँ जाती है? अरे तो मेरे को पहले ढंग से बता, मैं ढंग के कपड़े तो पहनता कम से कम। मुझे क्या पता तुम नहा के, और मैं ये बोलती तो मैं डाउट हो जाता। गुची भाई मेरे को सरप्राइज देना था और वो मेरा पूरा हो गया, तो मुझे दिल से कॉल उठा रही भाई, बहुत खुशी हो रही। लगन उठा लिया। अरे कंजी कंजी वीडियो पॉज की है। अरे मुझे तू दिख नहीं रही। हाँ दिख गए। हाँ सो इसने घर ले लिया पागल ने।
मैं बताता हूँ उसे, भाई उसे आवाज नहीं आ रही। घर देखो, घर ले लिया अभी बिजी है पार्टी में। क्या क्या? अपना घर ले लिया अपना। पर बस एक ही चीज है यार, यहाँ से स्विमिंग पूल दूर हो जाएगा मेरे सैंडी भाई के लिए। बस बड़ा तू वॉक भी कर ले, बड़ा तू नहाता है स्विमिंग पूल। हमारा घर वो स्विमिंग पूल नहीं है, वो और कुछ है। तुम खुश हो? तुम खुश हो आज? हाँ यार बहुत सारे। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं देख रही थी लगन को डेली भागते हुए, यहाँ रेंट पर लेना, वहाँ लेना, यहाँ रहेंगे, बट आज हमारा खुद का घर हो गया। तो अब हम चले यहाँ से। ये लोग आ जाएंगे ना सर? हाँ ये लोग सब आ जाएंगे, लॉक करके आएंगे। डूची भी यार वहीं रह गया। वो आ रहा है सुधीर के साथ, पॉटी करेगा वो। बट इसको इन दोनों ने अप्रूव कर दिया घर, हमारे दोनों बच्चों ने बहुत खेले है वहाँ पे। आज है मकर संक्रांति। क्या हुआ दीदी? मेरी देखना ये देरी है, मैंने दीदी का लोअर पहना हुआ है और दीदी का ही स्वेटर पहना हुआ है। यार तू रख के चली गई थी गलती से, ये आती है यहाँ से पहनती है और सूट पहनती है और फिर उसी में निकल जाती है। छोटे चाय देने जा रहा है यार, तू तो सही बोल रहा है, बोलियो। मैं छोटे छोटे चाय पीना चाय चाय चाय। तो ये तीनों को आप ले लो ठीक है। और गार्ड भैया कहाँ है? गार्ड भैया बोले अभी आपके लिए आ रहा है ठीक है भैया। गार्ड भैया को दे दो भैया, ये लीजिए बोले भैया। और क्या बचा है इसमें भैया? आप ना ये आप लोग अपने में वो कर लेना ठीक है, फेवरी वगैरह बांट लेना अपने में। ओके गाइस, तो आज इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा सरप्राइज हमें मिला है, तो आज हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने। इन लोगों का मन नहीं है तो इन लोगों के लिए मैंने बोला फिर यहीं से जोमेटो से ऑर्डर करो ठीक है। Okay. बढ़िया से ऑर्डर कर लेना लेकिन। Okay. बट आकाश भैया, मैं नीतू पूनम वैन, मेरा भी मन नहीं है, मैं भी इनके साथ नहीं। आप जा सकती हो, हमने दो का ही ऑर्डर किया है, जाओ 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 जल्दी। मेरा भी मन नहीं है, जबरदस्ती क्यों लेके जाते हो? चल चल चल, दो का ही ऑर्डर किया है। हाँ ठीक है, तो पहले मैं जरा यहाँ पे दिया लगा लेता हूँ अपने घर पे और उसके बाद निकलता हूँ। अरे इन्हें देख, इन्हें देख दोनों को। अरे ये क्या ओ नीतू को लगा उसका कर रहा है तू? मेरे थंबे भी लग गए भाई, मैं तो तुम्हारे लग गई इसके थंबे। अरे उसको दे, उसको देख, इसको देख, पैकेट को घुटनों में लग गया है ना इसके थंबे के, मेरे बाप के लिए। ये देख कितना साथ दे रहा है, इसे देख आकाश भैया तो आए गए, आ जाओ। सुबह आके हमने ऑर्डर कर दिया, आकाश भैया को मैं खिलाऊंगा जो मेरी फेवरेट डिश है ठीक है। भिंडी छोड़ के कुछ भी, भिंडी भिंडी नहीं नीतू की है। सो गाइज ये आ गया अपना साथ में कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ मिलता है। आकाश भाई खा के देखो। सॉरी गाइज मैं व्लॉग बनाना भूल गया था क्योंकि खाने में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। कैसा लगा आकाश भाई खाना? सारा खा के मेरी तरफ फोकस कर दिया। हाँ ये बता, नहीं खाना कैसा लगा बताओ? बहुत अच्छा, मैं अभी भी खा रहा हूँ वैसे तो। चिली पनीर है, कुछ और मत सोचना। गाइज थैंक यू सो मच इस सब के लिए, मुझे नहीं पता आपको कैसे थैंक यू बोलूं। दूसरी चीज, ये 14 तारीख को हो चुका था और आप शायद वीडियो 17 को देख रहे हो, तो मतलब मैं डालना चाहता था इसको आज ही, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वैसी चल रही थी ना, तो इसीलिए मैंने पहले वो चीज़ें डाली, इसीलिए ये डाली। अच्छा कुछ कमेंट्स में ऐसे भी पढ़ रहा था, लोग लिख रहे थे पैचअप इसलिए कर रहे हो तुम ताकि तुम्हें घर से निकलना ना पड़े। तो यार मैं ये सोच रहा हूँ लोग कितने जजमेंटल हैं, मतलब पहले से पहले कुछ भी अपना परसेप्शन बना लेते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मतलब मेरा, मैंने शुरू से बताया मेरे को लालच नहीं है भाई, मेरा कोई मेरे माँ बाप से रिस्पेक्ट है, प्यार है, तो ऐसा नहीं कि कोई लालच में जाके वो कर लिया हो उनसे पैचअप कि मैं घर से ना जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट थैंक यू सो मच, बहुत प्यार दिया आपने। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, पता है आपको भाई मुझे 100 के लाइक चाहिए इस ब्लॉग पे, आप कर सकते हो या नहीं? दूसरों के भी फ़ोन उठा के कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा भाई। आपने इतना सारा प्यार दिया, वो भी आप ही की वजह से, ये भी आप ही की वजह से, तो कर दो भाई जाके। तो गाइज मैं आप सभी को थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ, दिल से बहुत बहुत दुआएं निकल रही हैं आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी की वजह से आज हम यहाँ पर हैं, आज हम खुद का घर ले पा रहे हैं।
सिर्फ आपकी वजह से. सो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए. और आप बहुत खुश होंगे, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस नहीं दिखते मुझे सिर्फ स्नैपचैट पर दिखते हैं. और मैं सिर्फ स्नैपचैट ही चलाती हूँ, मैं यूट्यूब भी बहुत कम आपके प्रीत को डिस्टर्ब करें, मैं यूट्यूब में भी बहुत कम कमेंट्स पढ़ती हूँ. आजकल टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि लखन बाकी चीज़ों में बिजी है, तो सारा काम अभी मैं ही कर रही हूँ, तो मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ. बाकी जितना भी है स्नैप पर मैं देखती हूँ. सब बोलते हैं प्लीज़ बाय योर ओन हाउस, प्लीज़ प्लीज़ अपना होना चाहिए, यू नो, ऐसे ऐसे करके. तो फाइनली वो दिन आ गया है और स्नैपचैट पर मैंने ये रखा हुआ था कि 3 दिन के बाद आपको एक गुड न्यूज़ पता चलेगी. तो फाइनली ये गुड न्यूज़ है ये, और आप बहुत ज़्यादा खुश हो, उससे भी ज़्यादा हम खुश हैं. सो थैंक यू सो मच. मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ अभी, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी, बस आपको हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ. थैंक यू सो मच. कुछ टाइम पहले सुधीर के भैया आए थे किसी काम से, तो इसके भैया पता क्या बोलते, सुधीर ने बोल दिया मैं अपना घर छोड़ दूंगा, अपनी बीवी छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ से जॉब नहीं छोड़ूंगा. तो ये तेरे को यहाँ से अटैचमेंट कैसे हुई, कितनी हुई, इतनी मतलब कैसे हो गई, मतलब इतनी अटैचमेंट तुझे कैसे हुई? तुझे ज़्यादा मुझसे है या भैया से है? आपसे. लेकिन डोंट बॉस. भैया से क्यों नहीं? चलिए बता, तू रीजन बता, नहीं तो फिर मैं बताऊँ. भैया थोड़ा डांटते रहते हैं ना, भैया मतलब हाइपर रहते हैं कि गुची का ये नहीं है वो नहीं है, गुची का ये नहीं है, गुची का वो नहीं है. अच्छा बता कि ऐसे क्या, भैया मैं इससे पूछ रही हूँ. एक बार भैया आए थे, इसके भैया आए थे, तो वो कह रहे थे कि ये इसने तो हमें धमकी दे दी. हमने बोला भाई यहाँ से जॉब छोड़ते, हमने थोड़े बीवी के साथ रहे, तो कहता है मैं बीवी छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं यहाँ से जॉब नहीं छोड़ूंगा. तो इससे इतनी बड़ी बात बोली थी गुस्से में उनसे. तो पूछ रही ऐसा क्या है कि हमसे जुड़े हुए हैं तुझे, मैं वो पूछ रही. तो वो शर्मा रहा है बताने में, थोड़ा बता दे, चल पूरा नहीं बताना तो. आपसे ही है जो मतलब कुछ अंदर से ऐसा आता होगा ना, लोगों को देख के कोई फीलिंग आती होगी, कुछ अच्छा लगता होगा इनके बारे में, है ना? क्या ना मेरे भाई इन्होंने साथ दिया, ना दीदी ने दिया, जो इन्होंने दिया. अच्छा मतलब जब जरूरत थी तब ये तुम्हारे साथ थे बेसिकली, हर चीज में, यानी कि मम्मी की तरह ये डांटते हैं, पापा की तरह वो. अरे वाह सुधीर, वाह, हमारा सबसे अच्छा लड़का है. और मैं सच बता रही हूँ, जब से ये आया ना घर में सब कुछ चेंज हो गया. इसने पूरे घर को ऐसे संभाला जैसे इसका खुद का घर होगा. तो अगर ये घर पर है ना, तो मुझे, मैं इसको कॉल भी नहीं करती कि गुची और ब्राउनी क्या कर रहे हैं. बीच में कभी कर देती हूँ कि इसकी तबीयत खराब है, कि सुधीर रेस्ट कर रहे हैं और सब क्या कर रहे हैं. अदरवाइज मुझे इसको कॉल करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी कि घर पे कोई आया है, सब ठीक है, ये दोनों मतलब ये जो है ना हमारी लाइफ में बस यही काफ़ी है. ये है तो सब ठीक है ना भैया, होना चाहिए. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखी हैं और मतलब बहुत डेडिकेशन के साथ कोई भी चीज़ करेगा ना, कभी अधूरी नहीं छोड़ता. और ये दिल से करता है, अगर कुछ भी काम करता है ना दिल से करता है. तो आप सुधीर को भी बहुत सारा प्यार देते हो, बस ये प्रे करो कि सुधीर का बच्चा हेल्दी हो, फिट हो, और चांदनी और बच्चा बिल्कुल सेफ रहें और सब कुछ अच्छा हो. थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ. बाय बाय.